जय हिंद दोस्तों, मैं भूपन नामदेव यूट्यूब के अपना कैंपस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। ऑल रीजन के, ऑल स्टेट के आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। उसको कैसे आपको डाउनलोड करना है, उसके बारे में आपको फुल नॉलेज के साथ आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जैसे ही नई नई वैकेंसी और न्यू न्यू नोटिफिकेशन आते हैं, उसका मैं वीडियो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दिल्ली पुलिस का ऑफिशियली वेबसाइट है, तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको SSC आपको क्लिक करना है। आप गूगल पे SSC टाइप करने के बाद ASSC का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो आपको ये लिख रहा है SSC सिलेक्शन कमीशन एडमिट कार्ड, तो आपको यहाँ एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। तो हम एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है एडमिट कार्ड। तो आपका ये एडमिट कार्ड यहाँ जारी हो चुके हैं। अब आपको अपने रीजन के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपका जो उत्तर प्रदेश हो गया और जो आपका उत्तराखंड हो गया, ये शायद CR रीजन में आते हैं। तो आपका जो रीजन में आप आते हो, आपका जो स्टेट कोई भी रीजन में आता हो, तो आप उसमें क्लिक करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश रीजन, तो मध्य प्रदेश रीजन में आपका रायपुरा वो छत्तीसगढ़ आता है और आपका मध्य प्रदेश आता है। ऐसे ही आपका लिखा हुआ है वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन में आपका ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र आता है। तो आपका ये रीजन के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, आपका जिस रीजन में आपका आता हो स्टेट, उस रीजन को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश आता है CR रीजन में, तो मैं CR रीजन पर क्लिक करूँगा। ये CR रीजन पर क्लिक कर दिया, ये SSC का साइट ओपन हो रहा है, ये साइट खुल चुकी है। अब आपको यहाँ सिंपल से नीचे आना है, ये आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ फर्स्ट, सबसे ऊपर फर्स्ट में ये लिखा हुआ है स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जिसका एग्ज़ाम 10 ये जो एग्ज़ाम था 10 से 20 अक्टूबर के बीच में होना था, जिसका एग्ज़ाम अगर 10 तारीख को होगा, तो उसका एग्ज़ाम उसके 5-6 दिन पहले उसका जो एडमिट कार्ड है 5-6 दिन पहले ही आ जाएगा। तो आपका ये अभी स्टेटस जारी हुआ है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 5-6 दिन पहले आ जाएगा। तो आप अभी अपना स्टेटस भी देख सकते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड पर, ये मैं क्लिक कर दिया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ सिंपल सा नीचे आना है, ये आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक हेयर, तो आपको यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आप ये अपने स्टेट का रीजन देख सकते हैं, वहाँ अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, ये देख सकते हैं नॉर्थ रीजन में आपका आता राजस्थान दिल्ली हो गया, और वेस्टर्न रीजन में आपका महाराष्ट्र गुजरात और गोवा हो गया, MP सब रीजन में आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ईस्टर्न रीजन में आपका वेस्ट बंगाल उड़ीसा झारखंड। तो आप ये देख सकते हैं आपका जिस रीजन में आपका स्टेट आता हो, तो आप उसी रीजन में आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं तो अपना CR रीजन का आपका क्लिक किया था, तो मैं CR रीजन में आपका आता उत्तर प्रदेश और बिहार, तो ये CR रीजन का ओपन हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं प्रोसेस नाउ पे आप क्लिक करेंगे इस पर, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये आपका डाउनलोड करने का आपका ये खुल चुका है। तो सबसे पहले आपको 3 प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर रजिस्ट्रेशन ID पता है तो रजिस्ट्रेशन ID डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, सिलेक्ट आपका जो एग्ज़ाम सेंटर वो डाल सकते हैं, और आपको वेरीफाई ह्यूमन यानी आपको एक कैप्चा कोड डालना है 2+2 यानी 4, तो यहाँ भर देंगे तो आपका ये एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। दूसरी वगैरह आपका अगर रजिस्ट्रेशन ID नहीं है तो आप रोल नंबर डाल सकते हैं, रोल नंबर के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और एग्ज़ाम सिटी डालेंगे और एक कैप्चा कोड भर के आप सर्च पर क्लिक करेंगे। और तीसरी प्रकार आप अपना नाम डाल सकते हैं, अपने पिताजी का नाम डाल सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं और एग्ज़ाम सिटी डाल सकते हैं और एक कैप्चा कोड भरने के बाद सर्च कर सकते हैं। यानी आप ये 3 प्रकार से आप एडमिट कार्ड स्टेटस आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये थी कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही नई नई वैकेंसी आती हैं उसका सबसे पहले आप जानकारी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो